हेलो एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट क्लास तक जो हमने डिस्कस किया था वो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर हम वेंडर से एसेट खरीद रहे हैं या बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी से रिलेटेड सेकंड बात कि वेंडर को क्या दिया जा रहा है उसके बदले में, क्योंकि हमने उसे एसेट खरीदी है, उसके बदले में हम उसको या तो बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, या चेक दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बिल्स पेबल दे रहे हैं, और दूसरा हम उसको क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर इशू में भी बात आती है, शेयर इशू कर रहे हैं पार पर, प्रीमियम पर, और तीसरा डिस्काउंट पर। बट डिस्काउंट पर आप शेयर इशू नहीं कर सकते। सेक्शन 53 क्या करता है, मना करता है कि आप डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। तो चलिए हम एक एक करके ये सारा डिस्कस करते हैं, फिर इसका एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में आया हुआ है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके 3 to 4 मार्क्स इस कॉन्सेप्ट के कंफर्म हो जाएंगे। चलिए गाइज, लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम वेंडर को बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं या बिल्स पेबल दे रहे हैं, तो अगर हम बैंक ड्राफ्ट या चेक दे रहे हैं तो इसकी एंट्री दोनों की सेम होती है। तो हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहली एंट्री में हमने क्या किया था, सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर। अब वेंडर को दिया जा रहा है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू में अगर हम क्या दे रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट और चेक दे रहे हैं, तो टू में यहां पर हो जाएगा बैंक। ऑलराइट गाइस, अगर हम उसे क्या दे रहे हैं, बिल्स पेबल, मतलब उसने बिल ड्रॉ किया, हमने एक्सेप्ट किया और हमने उसको वापस कर दिया, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, दैट इज आर बिल्स पेबल। तो एंट्री वुड बी बिल्स पेबल के केस में, बिल्स पेबल के केस में एंट्री वुड बी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर हमारा डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट गाइस, ये तो हुआ अगर हम कोई बैंक ड्राफ्ट या चेक या बिल्स पेबल ये सब दे रहे हैं। अब बात आती है कि अगर हम शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर्स के आपके पास दो ही केस आए हैं, केवल शेयर्स के आपके दो ही केस आए, या तो आप शेयर इशू कर रहे हो पार पर या शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर। ऑलराइट गाइस, अब शेयर इशू किए आपने अगर पार पर, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही हमने क्या खरीदी थी, सनरी एसेट ली थी कितने की, 10 लाख की, सन्ड्री लाइबिलिटी थी हमारी कितने की, 2 लाख की, ठीक है, और हमने क्या किया था, परचेज कंसिडरेशन लेट सपोज ये है हमारी 9 लाख। तो पहली एंट्री हमारी क्या हुई थी, देखिए सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट जो हम सीख चुके हैं कितना आ गया था, 10 लाख, ठीक है, टू में सन्ड्री लाइबिलिटी दैट वुड बी 2 लाख, टू में वेंडर को हमें देना है कितना, 9 लाख, तो ये टोटल हो गया 11। तो इसका मतलब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल That would be कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, हमने जो उसको शेयर देने हैं, लेट्स सपोज हमने उसको शेयर 9 लाख के देने हैं और वो पार पर दे दे, और 100 रुपीज का एक शेयर, देखिए हमने शेयर देने पार पर और 100 रुपए का एक शेयर, 100 रुपए का, 100 रुपीज का एक शेयर, तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना आ जाएगा, अगर अकेले शेयर दे रहे हैं, ठीक है, टू में अगर वो इक्विटी या इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस है तो उसके आगे रेट ऑफ डिविडेंड आ जाता है, तो हम मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दैट वुड बी 9 लाख। लेकिन यहां ना एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, आपको नंबर ऑफ शेयर जरूर कैलकुलेट करके दिखाने हैं जो आप नरेशन में दिखाते हो, तो यहां पर 9 लाख हमने रुपीज उसको पे करना है, 100 का एक शेयर है तो दैट वुड बी 9000 इक्विटी शेयर इशू टू वेंडर फॉर एट रुपीज ऑफ रुपीज 100 ईच फॉर अदर देन कैश, ये हमें नरेशन में लिखना है। गाइस क्लियर है, हमें ये कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट करके जरूर दिखाना है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपको नंबर ऑफ शेयर जरूर कैलकुलेट करने हैं। अब दूसरी बात आती है, ये तो पार की थी कि हमने पार पर किया, अब बात आती है अगर हमने प्रीमियम पर किया है, ठीक है, हमने शेयर इशू किया प्रीमियम पर, 100 वाला शेयर हमने कितने में, 110 में, और हमें वेंडर को लेट्स सपोज देने हैं 9,90,000, ठीक है, हमें वेंडर को 9,90,000 देने हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना देना है उसको,
परचेज कंसिडरेशन है उसकी 9,90,000। अब अगेन हमें नरेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 9,90,000 डिवाइड बाय 110, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 9,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। क्या किया हमने, इश्यू किया है किसको, वेंडर को एट अ प्रीमियम ऑफ 10, तो 9,000 ये सब आप लिखोगे। और टू में यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर वो इक्विटी है तो देखो 9,000 × 100, क्योंकि इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 9 लाख। और बाकी किस में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर आप शेयर इशू करते हो फेस वैल्यू से ज्यादा में, जो ज्यादा अमाउंट होगा मतलब 10 रुपए यहां ज्यादा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का हिस्सा बनेगा। तो 9,000 × 10 दैट वुड बी कितना आ जाएगा 90,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो गाइज इसका ये पहला टॉपिक हमने किया। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, चेक या हम बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरा शेयर इशू कर रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है कि मान लीजिए लेट्स सपोज 10 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन के देने हैं, 2 लाख रुपए हमने क्या दे दिया, चेक दे दिया, टू बैंक हो जाएगा वेंडर टू बैंक 2 लाख, बाकी जो 8 लाख है उसके हमने शेयर दे दिए, तो उसकी इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। आई होप यहां तक ये टॉपिक आपको अच्छे से आया होगा। अब हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके सैंपल पेपर का आया है, सैंपल पेपर में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। आप कहोगे हमें तो बहुत अच्छे से समझ भी आ गया, वेरी नाइस गाइस, आप खुद बोलोगे कि हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। रैंडम लिमिटेड टू कवर रनिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस खरीदा है ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट ऑफ 45 लाख, एसेट है 45 लाख की, लाइबिलिटीज है 6,40,000 की, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, आपको परचेज कंसिडरेशन दी हुई है 36 लाख, अमाउंट वॉज सेटल्ड बाई बैंक ड्राफ्ट, देखो आ गया बैंक ड्राफ्ट दिया हुआ है कितने का, 1,50,000 का, तो बैंक ड्राफ्ट है, और बैलेंस को बाय इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। हमें इसकी क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड, पहले लिखेंगे बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड जर्नल, उसके बाद डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, डेट नहीं दी हुई तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। पहले देखो हमने क्या खरीदा, एसेट कितने की 45 लाख, तो हम कहेंगे एसेट अकाउंट डेबिट या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 45 लाख, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटीज, हमने लाइबिलिटीज भी ली है क्योंकि बिजनेस लिया है, टू में लाइबिलिटीज कितना आ जाएगा 6,40,000, ऑलराइट। इसके बाद पूरा परचेज कंसिडरेशन ऑफ 36 लाख, किसे खरीदा है, मैच्योर, तो वेंडर की जगह मैच्योर आ जाएगा, मैच्योर लिमिटेड कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 36 लाख, ठीक है। देखो 36 और 6 42 42 40 लाख 45 लाख, तो हम कम पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमें बेनिफिट हो रहा है, तो वो किसके अंदर जाएगा, मैंने बताया था कैपिटल रिजर्व में, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, तो आपका ये बेनिफिट हो रहा है कितने का, 2,60,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। पहली एंट्री खत्म गाइज, इसके बाद सेकेंड क्या बोला गया, हमने क्या किया है, हमने 1,50,000 के तो बैंक ड्राफ्ट दिए, तो हम इसकी कंबाइंड एंट्री डाल सकते हैं, देखिए मैच्योर लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट कितने देने उसको 36 लाख। अब गाइस लाइनिंग कर लेना, ठीक है, हमने उसको टू में बैंक ड्राफ्ट, मैंने बताया था बैंक ड्राफ्ट के केस में क्या हो जाएगा, टू में बैंक कितना आ जाएगा 1,50,000 क्रेडिट में आ जाएगा। अब देखो 36 लाख में से 1,50,000 आपका चला गया, तो ये रह गया कितना 34,50,000, ठीक है। अब 34,50,000 के आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, क्योंकि कितने का एक शेयर है, देखो दिया हुआ है 100 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम है 15, मतलब 115, तो यहाँ पर वर्किंग नोट में आप निकाल सकते हो या नरेशन में आप दिखा सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 3 पे जा रहा है, तो ये आ जाएगा 30,000 शेयर्स आगे, तो यहाँ पर 2 में क्या लिखा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है, और उसका रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन था, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, कई बच्चे केवल शेयर तक लिखते हैं गाइस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा लिखना है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 30,000 ओरिजिनल, ओरिजिनल है 30,000 शेयर, ओरिजिनल अमाउंट है 100, 30,000 शेयर के ऊपर 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, क्योंकि कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, दैट वुड बी 30 लाख, और 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम,
दैट वुड बी कितना 30,000 शेयर पर कितना था 15, दैट वुड बी कितना आएगा 4,50,000, दैट्स इट गाइस, ये आपका आंसर खत्म और आपके 3 to 4 मार्क्स कंफर्म। ये 3 मार्क्स का आया हुआ केवल 2 एंट्री। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर हम इश्यू करते हैं शेयर्स किसको, वेंडर्स को अदर देन कैश। बाकी का टॉपिक जो प्रमोटर्स और जो हमारे अंडरराइटर है उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।